वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सैमसंग का UHD टीवी 4K टीवी और जो कि सैमसंग का 43 इंच डिस्प्ले में सबसे कम प्राइस का सैमसंग का 4K टीवी है, जो कि आपको ऑफलाइन मिलने वाला है और ऑनलाइन मिलने वाला है। तो अगर आप एक चीप एंड बेस्ट एक 4K टीवी परचेस करना चाहते हैं जो कि HD से 4 times बेटर आपको पिक्चर क्वालिटी देगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज हम इस सैमसंग का UHD टीवी जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था और ये काफ़ी अच्छा आपको टीवी मिलता है, काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है और इसका मॉडल है 43AU7600। तो इस टीवी के रिलेटेड आपको ऑल इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आप डिसाइड कर सके कि ये सैमसंग का टीवी आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम इस प्रोडक्ट का वीडियो बनाने के लिए किसी भी ब्रांड से कोई भी पैसा नहीं लिया है। हमारे चैनल पर जो भी आपको जानकारी मिलेगा बिल्कुल आपको सही जानकारी मिलेगा और हमारा बस यही लक्ष्य है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें, अपना हार्ड एंड मनी जो है सही प्रोडक्ट पर ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग बाद इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसका पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करेंगे, इसका प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, इसका प्राइस बताएंगे, जिससे आप डिसाइड कर सके कि ये टीवी आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे हमने अनबॉक्सिंग कर लिया, इसे टेबल टॉप स्टैंड पर जो है हमने लगा दिया है। अब चलिए इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिर से हम एक बार मॉडल इसका रिपीट कर देते हैं, UA43AU7600। ये आपका 43 इंच डिस्प्ले प्लस 55 इंच डिस्प्ले में आपका ये टीवी उपलब्ध होने वाला है। ये जो है आपका 43 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। तो चलिए इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे आपको फुल जानकारी हो जाए और आप जो है ये टीवी परचेस करने से पहले अपना पैसा जो है हार्ड एंड मनी बिल्कुल सही प्रोडक्ट पर ही इन्वेस्ट करें। तो देखिए, ये जो आपका टीवी का नंबर वन बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, तो ये आपका जो है पूरा ABS बॉडी का बना हुआ है, पूरा प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है आपको ये टीवी। और नीचे जो इसमें आपको टेबल टॉप स्टैंड दिया गया है, ये भी आपका प्लास्टिक का है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको इसमें जो है दिया गया है। ये टीवी आपको 3-साइड बेजल लेस डिस्प्ले के साथ आता है, नीचे आपको सैमसंग का बॉर्डर दिखेगा, ठीक है। 1-स्टार रेटिंग के साथ आता है, इसे अगर आप कंटिन्यू चलाते हैं तो 1 ईयर में 158 यूनिट जो है आपका बिजली मिनिमम मैक्सिमम खपत करेगा। मॉडल हम आपको बता दिए, 2023 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन ये टीवी जो है काफ़ी बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस है, यही हम आपको बताने वाले हैं। और ओल्ड जो सैमसंग का टीवी आता था उससे इसमें बेहतर क्या है वो भी हम आपको जानकारी देंगे, जिससे जो है अपना पैसा सही प्रोडक्ट पर ही इन्वेस्ट कर सके। और फ्रेंड्स, ये 4K आता है, ठीक है। तो नंबर वन, इसके डिस्प्ले के रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है, डिस्प्ले का साइज है 43 इंच डिस्प्ले है। इसका जो डिस्प्ले टाइप है LED डिस्प्ले टाइप और ये 4K HD से 4 times बेटर आपका पिक्चर क्वालिटी इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और ये टाइप जो है इसमें दिया गया है, पैनल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसका जो पैनल है ये आपका VA पैनल मिलता है, ठीक है। 99% जितना भी आपका स्मार्ट टीवी है या QLED बड़ा से बड़ा टीवी है तो उसमें आपका VA पैनल यूज करता है, तो सैमसंग जो है इसमें VA पैनल यूज किया गया है। VA पैनल का काम क्या होता है, देखिए VA पैनल जो होता है आपको IPS पैनल से थोड़ा सा बेहतरीन आपको पिक्चर क्वालिटी देने वाला है। इसका जो कलर होगा 1 billion कलर के साथ आता है, इसका पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। इसका जो भी कलर होगा 100% नेचुरल कलर दिखता है। आपको ब्लैक्स देखना है तो सबसे बेहतरीन ब्लैक्स आपको VA पैनल में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो है आपका व्यू एंगल थोड़ा सा कम होता है IPS पैनल के मुकाबले, तो इसमें VA पैनल आपका यूज
किया गया है। इसका पिक्सल जो मिलता है 3840 मल्टीप्लाई 2160 पिक्सल आपको इसमें दिया गया है। तो इतना पिक्सल है, तो अभी जितना भी लेटेस्ट यूट्यूब या डिजनी प्लस हॉट स्टार या नेटफ्लिक्स किसी पर भी आप वीडियो प्ले कीजिएगा तो 4K रेजुलेशन तक ही आपको सपोर्ट है 3840 मल्टीप्लाई 2160। तो जितना अधिक आपके डिस्प्ले में पिक्सल रहेगा उतना अच्छा आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगा। अब देखिए इसका जो प्रोसेसर यूज किया गया है, कोई भी अगर हम इसमें वीडियो प्ले करेंगे तो कैसे करता है, इसका क्रिस्टल 4K प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है जो कि सैमसंग का क्रिस्टल 4K प्रोसेसर है। और ये HDR सपोर्ट है आपका, इसमें HLG सपोर्ट किया गया है, प्लस इसमें HDR10+ सपोर्ट है जिससे काफ़ी बेहतरीन आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। और ये कोई भी अगर इसमें वीडियो प्ले कीजिएगा तो काफ़ी बेहतरीन करके दिखाने का आपको ये काम करेगा। और इसका जो डिस्प्ले है क्रिस्टल डिस्प्ले आपको दिया गया है जिससे काफ़ी बेहतरीन आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगा। तो सबसे अधिक अगर आप किसी भी टीवी का पे करते हैं तो वो डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले के रिलेटेड जितना भी जानकारी था हमने आपको दे दिया। नंबर 2 देख लीजिए इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो इस टीवी का जो है 2 स्पीकर दिया गया है, डाउन फायरिंग स्पीकर आपको 2 लगा हुआ है, दोनों मिला के 20 वाट साउंड आउटपुट आपको मिलता है। क्यू सिम्फनी सपोर्ट है, डिजिटल प्लस आपको इसमें सपोर्ट है जिससे काफ़ी बेहतरीन साउंड आपको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन वो भी हम चेक करके आपको दिखाने वाले हैं कि इसका आखिर में है कैसा साउंड। मात्र 2 स्पीकर है, 20 वाट साउंड आउटपुट है, 2 स्पीकर में एक स्पीकर 10 वाट, दूसरा स्पीकर फिर 10 वाट, टोटल मिला के 20 वाट। फिर नंबर 4 में इसमें कनेक्टिविटी क्या क्या हमको मिलता है, इसमें 3 HDMI पोर्ट्स मिलता है जिसमें एक HDMI ARC का ऑप्शन है जिससे ऑडियो रिटर्न चैनल हम ले सकते हैं, 2 HDMI पोर्ट्स मिलता है 4.1 वर्जन जो कि आप वीडियो इन कर सकते हैं, PC to TV में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। सिर्फ आपके लैपटॉप में जो है क्लाउड सर्विस जो होता है आपको माइक्रोसॉफ्ट का 365 डिग्री जो है लैपटॉप में जो है डाउनलोड होना चाहिए, उसके बाद आप इसे PC के तरह भी उपयोग कर सकते हैं। PC अपने लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो आप अपने TV में शेयर कर सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें फीचर्स दिया गया है। इसमें USB पोर्ट 1 आपको इसमें दिया गया है, इसमें LAN का ऑप्शन है, LAN से भी आप इंटरनेट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वायर से एंड वायरलेस दोनों प्रकार से आप इंटरनेट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसे केबल एंटीना से चलाएं तो वो भी आप चला सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम अभी बहुत ही कम कर सकते हैं। लेकिन AV कॉर्ड जो होता है ऑडियो वीडियो इन करने का आपको ऑप्शन इसमें बिल्कुल नहीं दिया गया है, इसमें आप HDMI से ही प्ले कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इन करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। डिजिटल ऑडियो आउटपुट का ऑप्शन मिलता है जिससे आप ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। तो जितना भी कनेक्टिविटी था सो हमने बता दिया। आप इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में जाते हैं तो देखिए इसमें जो रिमोट मिलता है, ये रिमोट नहीं है इसका, इसमें आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलता है, ब्लूटूथ पेयरिंग रिमोट मिलता है जिसमें IR ब्लास्टर आपको नहीं लगा हुआ है, जिससे आपका जो है रिमोट 360 डिग्री किधर भी आप घूम के बटन पुश कीजिएगा तो आपका जो है रिमोट काम करेगा और काफ़ी बेहतरीन वर्क करेगा, 10 से 15 मीटर तक आपका रिमोट वर्क करेगा। इसमें IR ब्लास्टर जो लाइट देख रहे हैं एक, ये आपको उसमें जो है नहीं लगा रहता है। ठीक है, वो ब्लूटूथ पेयरिंग रिमोट आपको मिलेगा। और इसमें जो है मल्टी वॉइस कंट्रोल आपको दिया गया है, इसमें गूगल असिस्टेंट सपोर्ट है, एलेक्सा सपोर्ट है, आप देख लीजिए यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आपको मिलेगा, एलेक्सा सपोर्ट है, बिक्सबी सपोर्ट है। गूगल असिस्टेंट आपका हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आप इसे कमांड दीजिएगा तो ले लेगा, एलेक्सा आपको इंग्लिश समझेगा और आपका बिक्सबी भी इंग्लिश ही आपका वॉइस कमांड लेगा। तो इसमें मल्टी वॉइस कनेक्शन मिलता है, प्लस इसमें सैमसंग TV प्लस दिया गया है जो कि एक सैमसंग के ही TV मिल रहा है। इसमें आपको 100+ चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, 100+ चैनल आपको मिलेगा, कुछ न्यूज़ चैनल हो गया, कुछ मूवी चैनल हो गया, कुछ इंटरटेनमेंट चैनल हो गया, ये सभी चैनल आप जो है आपको इसमें बिल्कुल मुफ्त देखने को मिलेगा, लेकिन आपका इंटरनेट इसमें कनेक्ट होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसमें ब्लूटूथ का जो है 4.2 वर्जन इसमें ब्लूटूथ का दिया गया है जिससे ब्लूटूथ से आप अपने वायरलेस किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑडियो जो है अपने होम थिएटर में ले सकते हैं, साउंड बार में कनेक्ट कर सकते हैं, तो ब्लूटूथ का भी आपको ऑप्शन इसमें मिलता है, 2 TV में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन आपका इसमें फीचर्स आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एप्पल TV, सोनी लिव, जियो सिनेमा, सैमसंग एक्सपीरियंस, इंटरटेनमेंट गैलरी, जो भी आपको उपयोग करना है वो आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ एप्लीकेशन और आपको डाउनलोड करना हो, ये ऐप्स स्टोर दिया गया है सैमसंग का, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये काफ़ी बेहतरीन है। देखिए नॉर्मल TV जो आप लीजिएगा, एंड्रॉयड TV लीजिए या
गूगल टीवी लीजिए, वो काफ़ी लैग करता है, काफ़ी जो है हैंग करता है, कोई भी बटन पुश कीजिएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका स्लो हो जाता है। लेकिन इसका जो है टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जो कि सैमसंग लगभग सभी मॉडल टीवी में जो है यही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, जो कि आपको काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। इसमें हैंग करने का ऑप्शन, हैंग बहुत ही कम करेगा आपका ये टीवी। यहाँ से एप्लीकेशन में जाके आप एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है इसमें प्ले स्टोर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड टीवी है नहीं, ये स्मार्ट टीवी होता है, प्ले स्टोर नहीं है। जितना आपको उपयोग करना है वो सभी एप्लीकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, कुछ गेम के लिए भी आपको एप्लीकेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको अभी जो लेटेस्ट है जितना भी टीवी आ रहा है उसमें देखते हुएगा स्क्रीन शेयर, मोबाइल का डिस्प्ले शेयर करने का ऑप्शन देता है, जो कि आप इसमें भी कर सकते हैं, वो भी बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए, ठीक है। एंड्रॉयड टीवी आता है उसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इसमें बिना एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है, बस कास्टिंग आपके मोबाइल में ऑप्शन दिया रहता है, उससे डिस्प्ले मिररिंग कर सकते हैं, डिस्प्ले कास्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन का इसमें। और डिस्प्ले कास्ट के साथ साथ मोबाइल का डिस्प्ले अगर इसमें कास्ट करना है वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि साउंड आपके मोबाइल का साउंड जो है टीवी में आए वो भी आप कर सकते हैं, टीवी का साउंड आप अपने मोबाइल में भी आउटपुट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें फीचर्स दिया गया है। जैसे आपको इस्तेमाल करना है या म्यूजिक, जैसे इसमें ट्यून्स प्लस आपको दिया गया है, जिससे ओनली ऑन आप इसमें वीडियो नहीं प्ले करना चाहते हैं, बस ऑडियो सुनना चाहते हैं, कोई भी ऑडियो अगर आप इसमें लगा दिए गाना सुनना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करते हैं, इसका साउंड क्वालिटी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो पावर कंजम्पशन है ये मैक्सिमम इसका पावर कंजम्पशन है 105 वाट, ठीक है, 105 वाटेज इसका जो है पावर कंजम्पशन है, मैक्सिमम पावर है, ठीक है। अगर ये स्टैंड बाय पर है 0.5 वाटेज पर चलेगा, 130 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक आपका ये ऑपरेट होगा, बिल्कुल आपको स्टेबलाइजर लगाने का कोई भी ज़रूरत आपको नहीं होने वाला है। अगर सेफ्टी चाहते हैं तो आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, नहीं तो आपको लगाने का कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं है। तो चलिए इसका वीडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं, इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसका प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, और यह खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये टीवी आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसका वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। क्वालिटी हमने टेस्ट कर दिया, इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट कर दिया, आप चलिए इसका प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। तो देखिए, इसका वीडियो क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा लगा हमको, इसमें कलर जो है काफ़ी बेहतरीन आपको दिखेगा, ब्लैक्स काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें देखने को मिलता है,
और इसका जो कलर का जो है ना नेचुरल कलर आपको दिखाने का कोशिश करता है। HDR सपोर्ट के होने के कारण अगर कोई भी वीडियो HDR कैमरा से शूट किया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें देखने को मिलेगा। कोई भी कलर को जो नेचुरल कलर है या नॉर्मल वीडियो भी है तो आपको बेहतरीन करने का आपको ये कोशिश करता है, काफ़ी बेहतरीन आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो है HD वीडियो कम से कम प्ले कीजिएगा, उसके बाद ही आपको अच्छा क्वालिटी मिल सकता है। अगर आप इसे सेटअप बॉक्स से प्ले कर रहे हैं, अभी तो हम इसे वाईफाई से कनेक्ट किए हैं तो YouTube प्ले कर रहे हैं, अगर आप इसे सेटअप बॉक्स से प्ले कर रहे हैं तो आप कम से कम HD चैनल रिचार्ज करवाइए, जिससे काफ़ी बेहतरीन आपको क्वालिटी मिल सके, काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट मिल सके। और इसके साउंड के बारे में बोले तो साउंड ठीक है, अगर 150 स्क्वायर फीट तक आपका रूम है तो काफ़ी बेहतरीन साउंड आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि डॉल्बी डिजिटल प्लस आपको सपोर्ट है, प्लस अगर आप चाहते हैं क्यू सिम्फनी सपोर्ट है। लेकिन अगर आपको वैसा ऑडियो चाहिए कि लगाना चाहिए, अगर कोई भी म्यूजिक या वीडियो या कोई भी मूवी आप देख रहे हैं कि आपको लगना चाहिए कि हम एक सिनेमा हॉल में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो बस आपको जो है इसके साथ एक साउंड बार या साउंड सिस्टम ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे आप बेहतरीन क्वालिटी ले सकते हैं। क्योंकि 4K अगर हम TV परचेस कर सकते हैं तो 2-4-5 हज़ार रुपया और आप खर्च कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा आपको साउंड क्वालिटी भी मिल सके। ठीक है, साउंड अच्छा है, क्लियरिटी है, फटता नहीं है, साउंड सिग्नेचर ठीक है, लेकिन उतना अधिक लाउडनेस आपको इसमें सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसका वारंटी जो आपको दिया गया है कंपनी की तरफ से, इसमें आपको वारंटी दिया गया है 2 ईयर। 2 ईयर में इसका जो शर्त है वह है 1 ईयर कंप्लीट वारंटी देता है कंप्रहेंसिव, और आपको 1 ईयर देता है एडिशनल में डिस्प्ले, टोटल मिला के 2 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट वारंटी और एक फिर अगले ईयर जो होगा आपका नेक्स्ट ईयर वो होगा आपका ओनली ऑन डिस्प्ले का वारंटी, जो कि होम सर्विस आपको देने वाला है। इसका कॉन्स बात करें तो ऐसा कोई भी हमको इसमें कॉन्स नहीं दिखा। ठीक है, बेजललेस डिस्प्ले बोला है कंपनी, लेकिन आपको इसमें भी बेजल देखने को मिलेगा। ठीक है, और साउंड बारे में बात करें तो साउंड ठीक है, लेकिन एवरेज साउंड है, उतना अधिक हम लाउडनेस इसमें नहीं बोल सकते, जैसा सोनी का रहता है वैसा साउंड हम इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक साउंड बार लगा दिया जाए तो काफ़ी बेहतरीन आपको साउंड मिल सकता है। ठीक है, और इसके प्राइस के बारे में बता देते हैं हम आपको, इसका प्राइस है 47,000 और डिस्काउंट करके 34,499 रुपये हम आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये 4K TV है और ये ऑफलाइन ही परचेस करें तो काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में आप सामने से एक्सपीरियंस करके परचेस कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ऑफलाइन परचेस कीजिए, किसी भी आपके नज़दीकी शॉप में जाकर परचेस कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप सामने से एक्सपीरियंस जो कीजिएगा वो बेहतर आपके लिए रहेगा। ठीक है, लेकिन आप परचेस करने से पहले एक बार ज़रूर टोल फ्री नंबर है सैमसंग का, उस पर कॉल करके जानकारी ले लें कि आपको जो है इसका सर्विस कितना टाइम में मिलने वाला है। ठीक है, या आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे इसका सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है, उपलब्ध है तो कितना टाइम में आपको सर्विस देता है, क्योंकि इसमें जो है वॉल माउंट जो करवाइएगा वो भी आपको कंपनी की तरफ से ही जाएगा करने के लिए, तो इसीलिए एक बार टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ज़रूर जानकारी ले लें। अगर इसका सर्विस सेंटर हो तो आप बिल्कुल इसे परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हो सकता है इसका प्राइस अप या डाउन भी हो सकता है, या ये अभी प्रेजेंट टाइम का प्राइस है, अब जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है इसका डाउन भी प्राइस हो जाएगा या अप भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई कौन सा नहीं है, 4K TV आपका अच्छा ये पिक्चर क्वालिटी देने वाला है। और फ्रेंड्स इसके रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट करें, 24 आवर्स के अंदर जो है हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, और इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कमेंट करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ।